ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरवाल। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि देश भर में राजधानी दिल्ली अब सबसे गंदी राजधानी बन चुकी है और दिल्ली सबसे गंदा शहर। आपको बता दें कि दुर्गेश पाठक का कहना है कि एमसीडी में बैठी भाजपा न गलियां साफ करती है और ना ही कूड़ा और नालियां, जिसके कारण मच्छर के प्रभाव से लोग परेशान होते हैं। क्या है कारण, पूरे इस मामले का देखें स्पोर्ट में। आज पूरी दिल्ली मच्छरों के प्रकोप में है। आज दिल्ली के हर कोने में मच्छर ही मच्छर दिखाई दे रहे हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर देश विदेश के सारे बड़े लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री यहाँ पे रहते हैं, देश के सभी, दुनिया के सभी जितने उच्चायोग लोग हैं उनकी यहाँ पे रेजिडेंस है, सारे मंत्री यहाँ पे रहते हैं। लेकिन आज ये बड़े शर्म की बात है, और इसमें कहने में कोई गलत नहीं होगा कि आज मच्छरों की राजधानी बन चुकी है दिल्ली। और इसके पीछे कोई एक एजेंसी, कोई एक पार्टी अगर इसके पीछे जिम्मेदार है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आज भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने ये हाल कर दिया है दिल्ली का कि आज किसी भी व्यक्ति से पूछिए, कहीं भी आप जाइए, सुबह शाम हर जगह लोगों का मच्छर के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गेश पाठक ने आखिरी में कहा है कि भाजपा दिल्ली की जनता के धैर्य की परीक्षा लेनी बंद करे और साथ ही दिल्ली में फॉगिंग की व्यवस्था को चालू कराए, नहीं तो दिल्ली की जनता सड़कों पर उतर के भाजपा का विरोध करेगी। पर अब देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली कोरोना के साथ साथ मच्छरों के प्रकोप को कैसे झेलती है। आज दिल्ली, और खुद मैं नहीं, मोदी जी का सर्वे कहता है कि आज दिल्ली सबसे गंदी अवस्था में है, जिसके कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। दूसरी चीज, फॉगिंग कराई नहीं जा रही है, जिसके कारण मच्छर मर नहीं रहे हैं, और दिल्ली का बुरा हाल हो चुका है, दिल्ली मच्छरों की राजधानी बन चुकी है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर